जैसे ओवर थिंक करना या वहम आ जाना, या चेक, जैसे नॉर्मल भी लोग होते हैं गाड़ी लॉक करके भी एक दफ़ा दरवाज़ा खोल के देखते हैं, और रूम के लॉक्स करना भी इस तरह से, या गैस के बर्नर्स को चेक करना। नॉर्मली तो ये जैसे आपने बताया कि सेटल हो जाती है और इतनी डिसफंक्शनल नहीं करती है। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चूँकि हम सबका ही होता है इस बारे में, वी ऑल हैव दिस रिपीटेटिव थॉट, और फिर हम में से कुछ लोग जो हैं वो उसको बड़ी आसानी से ओवरकम कर लेते हैं। तो एक ज़्यादातर जहीन लोगों में, जी इंटेलिजेंट लोगों में, अचीवर्स जी में, जी 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 डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जी जी वकला, जी जी सियासतदान, ऐसे लोग जो कि बहुत मुमताज़ लोग होते हैं, जी उनमें कुछ ना कुछ एक हल्की डिग्री की होती ही ओसीडी होती होती है, जिसके इलाज की वो बाजू का जी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, जी लाइफ चलती रहती जाती। है। लेकिन जहाँ पर ये डिसऑर्डर की सूरत में एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर ये झटका नहीं जा सकता इस ख्याल को ना, ओसीडी के, यानी जो ऑब्सेशंस हैं या जो भी ख्यालात हैं जो इंट्रूसिव हैं, कंट्रोल में नहीं होते किसी के, झटका नहीं जा सकता। यानी लेकिन विल पावर काम यहाँ एग्जैक्टली नहीं करती, कि यानी मैं यहाँ पूछना विल ये पावर चाह, आपकी बिल्कुल जवाब दे हाँ जाती है, ठुस हो जाती है, तो आप हाँ समझ लें कि अब ये आम वहम वसवसा मैं सर है। इसलिए ये सवाल कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ओसीडी को विल पावर से ठीक किया जा सकता है। नहीं, कतई तौर पर कतई नहीं। तौर पर जितना आप विल पावर इस्तेमाल करेंगे उतना ही बाउंस बैक करेगी प्रॉब्लम ओसीडी, ज़्यादा होगी वो तो मुश्किल हो जाएगा, जी क्योंकि मुकाबला ब्रेन और माइंड के दरमियान जी है। जी जी तो आप समझिए कि जो ब्रेन है वो अपनी धौंस जमाता है जी और अपनी बात को और ज़ोर से पेश करता है। अगर हम विल पावर का बराह रास्त इस्तेमाल करें, हमें ब्रेन को ट्रिक करना पड़ता जी है, अपने माइंड से कुछ लारा लप्पा लगाना पड़ता है, जिसका जिक्र हम 4 पॉइंटेड फार्मूले के हवाले से करेंगे जब बात करेंगे तो तफसील से करेंगे। और ये जो मुख्तलिफ किस्म के वहम और वसवसे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें ओसीडी के ज़ुमरे में समझा जाता है। और बाज़ औक़ात लोग ओसीडी को महदूद समझते हैं कि यह हाथ हाथ धोने धोने वाला का, बिल्कुल मामला सही है कह या रहे हैं। कुछ ऐसा है, और लोगों को नहीं पता कि कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है और ख़ास तौर पर उनके फैमिली मेम्बर्स को कितनी तकलीफ़ होती है। क्योंकि ट्रू फैमिली मेम्बर्स जब देखते हैं किसी को ये ओसीडी में मुब्तला, तो वो बीमारी को नहीं समझते, वो समझते हैं कि ये कोई कोताही है या कोई बुरी आदत है जो कि इन्होंने अपना ली है, और वो बाज़ औक़ात तो बहुत ताने देते हैं या बाज़ औक़ात सख्ती से बात गुस्सा करते करते हैं, हैं बहुत गुस्सा करते ज़्यादा। हैं, जिसे हम प्रोवोकिंग कहते हैं, और बाज़ औक़ात उनके साथ शामिल हो जी जाएंगे जी जी इट्स वेरी कि कॉमन। वो साथ शामिल हो जाएंगे, तसल्लियाँ देंगे, और तसल्लियाँ जितनी ज़्यादा दें उतना ज़्यादा ये बीमारी बढ़ती है। फैमिली की तरफ से तसल्लियाँ, अनेबलिंग जी जी करना, जी मिसाल के तौर पर किसी को सफाई का वहम है तो उसके लिए बहुत सारे टिश्यू पेपर्स का बंदोबस्त कर देना या इंतज़ाम कर देना उसके पास कि वो सफाई करने में उसको मुश्किल ना हो, बल्कि उसके कपड़े खुद धो के देना या ज़्यादा देर तक धोने में मदद करना। तो जो भी कंपल्शंस होती हैं पेशेंट्स की, उसमें जब वो असिस्ट करने लगते हैं, हत्ता कि कई फैमिली मेम्बर तो अपनी ड्यूटी दफ्तर से कम करा के अपने मरीज़ की मदद करते हैं, और ये अनेबलिंग और प्रोवोकिंग जब वो कर रहे होते हैं तो उनकी ज़िंदगी इतनी अपनी बहुत मुतासर होती मुतासर है होती है। कि वो भी रोगी हो जाते हैं। जी मरीज़ जी तो रोगी हुआ ही है, तो वो भी रोगी हो जाते हैं, एक शेडो इलनेस उनके अंदर भी जी जी आ जी जाती है और वो कोडिपेंडेंट हो जाते हैं और उनको अलग से फिर इलाज की की ज़रूरत जरूरत। होती है। सर आई वॉज डीलिंग ए केस, आपने मुझे फैमिली की बात की, तो उसमें उनका जो ऑब्सेशन था वो ये था कि उनको ये ख्याल आता था कि शायद वो जो वजू कर रही हैं और नमाज़ पढ़ रही हैं ये ठीक नहीं है, तो वो रिपिटिशन में वो करती थी। फिर जब वो खुद इतनी दफ़ा करती थी तो उससे फिर डेफिनेटली बीमारी है, और बीमारी तो इलाज मांगती है। तो उन्होंने अपनी मदर को, शी इज़ मैरिड, तो उन्होंने अपनी मदर को बुलाया कि आप देखती रहें कि मैं वज़ू ठीक करती हूँ, मैं नमाज़ ठीक पढ़ती हूँ। तो कुछ दिन उनकी मदर जो हैं वो उनके पास आकर रहीं और ये सब करती रहीं। फिर वो एग्जॉस्ट हो गई, और फिर वो जो प्रोवोकेशन वाली बात है वो सिलसिला शुरू हुआ। और फिर बहुत ही ज़्यादा उनको कहा कि कुछ नहीं करेगा कोई, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, और काफ़ी वो उससे तकलीफ़ में बड़ा था। तो फसाद होता बहुत है, क्योंकि फसाद होता है, डॉक्टर्स फिर तजवीज़ करते हैं कि आपने रीएश्योरेंस नहीं नहीं देनी जब देनी। पेशेंट कहे कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा,
तो उसका जवाब सिंपल सा फैमिली को देना होता है कि हमें पता हमें नहीं, पता नहीं, बिल्कुल हमें सही। नहीं पता, इस बात का हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, और वो समझते हैं कि आपने मेरी परवाह करना छोड़ दी है या मेरे साथ मोहब्बत करना छोड़ दी है। तो वजाहत करनी होती है कि आपसे उसी तरह मोहब्बत है, आपका एहतराम बजा है, आपकी बीमारी को तस्लीम करते हैं, लेकिन डॉक्टर की हदायत यह है कि आपको तसल्ली नहीं देनी। नहीं देनी है। खुद डॉक्टर भी जो हर बीमारी में तसल्लियाँ देते हैं, इस बीमारी में उन्हें तसल्ली नहीं देनी होती, और मरीज़ बार बार जो ही आपको लगे कि मरीज़ ने तसल्ली मांगी है डिफरेंट वे में तो वो पूछता आप, है, अच्छा वो बड़े घूम के डिफरेंट भी वे में वो आपको पूछते हैं। बड़े जी अजीबोगरीब तरीके जी जी से, जी जी एलियन तरीके जी से जी आपसे जी तसल्ली लेना चाहेंगे चाहेंगे कि मुझे इशारतन बता दें या बिल्कुल। मुझे कनायतन बता दें, और कहते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है इस बारे में, और उसको जो है यानी फेस करना, अपनी ऑब्सेशंस और कंपल्शंस को फेस करना, ऑब्सेशंस को डील करने के लिए जो 4 पॉइंटेड फार्मूला है जिसका हम बारहा जिक्र कर चुके हैं, तो आगे हमने इसके बारे में भी बताना है, लेकिन इसके लिए जो काउंसलिंग है वो बड़ी कारआमद है, और उस काउंसलिंग को हम CBT कहते हैं जो जी कारआमद है, जिसमें हम किसी को एक्सपोज करते हैं किसी मुश्किल सिचुएशन में, और फिर उस एक्सपोयर को हमने ये देखना होता है कि हम कुछ ग्रेड ऐसे तरीके से करें उस एक्सपोजर को जी कि जो पेशेंट है OCD का, वो हल्के दर्जे का जो एक्सपोजर है उसको वो बर्दाश्त कर सके और उसे कंपल्शन ना करनी पड़े, जी क्योंकि जो ही वो कंपल्शन नहीं करता अपने हल्के दर्जे के ख्यालात को फेस करने में, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को, जैसे किसी को वहम हो कि वो सड़क क्रॉस करेगा तो उसका ज़रूर हादसा हो जाएगा, तो अब आपने उसको एक्सपोज करना है तो आप माल रोड या फिरोजपुर रोड या जेल रोड पे तो नहीं क्रॉस करने के उसको लिए कहेंगे, आप उसे डिफेंस फेज 5 की किसी छोटी सड़क पे जी क्रॉस करने के लिए कहेंगे जहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है, या जहाँ फिर बाद में आप उसे ऐसी सड़क क्रॉस करने के लिए कहेंगे जहाँ मामूली ट्रैफिक है। तो जब आप एक्सपोजर देते हैं किसी को और आप फिर उसे बताते हैं कि आपने कंपल्शन नहीं करनी बल्कि प्रिवेंट अपनी करना है। एंग्जाइटी को आपने फेस करना है, और उसमें थेरेपिस्ट का काम है कि वो पेशेंट को हर सूरत में कामयाबी की तरफ लेके जाए, यानी छोटी एंग्जाइटी पहले वो फेस करे, एक तरह से जब डॉक्टर साथ मिल जाता है और एक्सपोजर थेरेपी की जाती है तो उस सूरत में हम इसे नूरा कुश्ती कहेंगे कि डॉक्टर नूरा कुश्ती करके तो अपने मरीज को जीतने का मौका देता है और फिर शाबाश देता है, और फिर वो जो ऊपर के दर्जे की एंग्जाइटीज हैं जो कि कंपल्शन को रोकने से पैदा होती हैं, तो इससे कामयाबी मिलती है जिसको हम कहते हैं हैबिचुएशन, जी यानी जिन चीज़ों से पहले तकलीफ होती थी जब हम वो चीज़ें करना शुरू कर देते हैं तो फिर उन चीज़ों से तकलीफ नहीं होती। तो OCD का इन्हें नटशेल इलाज तो यही है कि जिस चीज़ से आपको डर लगता है फेस उस करें, चीज़ को आप फेस फेस करें। करें, अगर आपको डर लगता है कि आपको हवाई सफ़र के बाद हादसे का सामना होगा तो इसका इलाज हवाई सफ़र करना है, जी लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप पहले दिन ही हवाई सफ़र करें और जहाज़ के अंदर चले जाएं और आपको एक पैनिक अटैक हो। शुरू में आप ये कर सकते हैं कि आप एयरपोर्ट पे बहुत आना जाना शुरू कर दें जिससे कि आपको एंग्जाइटी होगी, फिर आप उसे मैनेज कर सकेंगे क्योंकि आपने तो सफ़र करना ही नहीं है, जी और शुरू में तो खाली आप घर में सफ़र का सामान बांधेंगे तो आपको एंग्जाइटी शुरू हो जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आप एयरपोर्ट जाएंगे, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता हवाई जहाज़ में सफ़र भी करेंगे, पहले आप ऐसी फ़्लाइटें लेंगे जो ज़्यादा डिस्टेंस वाली ना हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लंबी फ़्लाइटें लेंगे, तो जितनी फ्रीक्वेंटली आप फ्लाइटें लेंगे उतना ही आपको आसानी रहेगी। मुझे याद है कि सबसे पहले मुझे अचानक OCD वापस आई जो कि 17-18 साल की उम्र में थी और फिर चली गई, और फिर 28 साल की उम्र में ये मुझे फिर एक दफ़ा वापस आई, और वो थी कि हवाई सफ़र से मुझे डर लगता है। अच्छा तो मैंने फिर एक प्लान किया, उम्रा करने का प्लानिंग की, जिसमें मैंने लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से दुबई और दुबई से रियाद और रियाद से फिर जद्दा, और इस तरीके से फ़्लाइटें ली और फिर वापसी, तो इससे फ़र्क पड़ा। उसके बाद फिर मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर वैसे ही हो गया अपने काम काज की वजह से, तो फिर मुझे इस मुश्किल का सामना ना हुआ।
इसी तरह शुरू में मुझे ओसीडी होती थी कि टीवी प्रोग्राम वाले मुझे इनवाइट करते थे और मुझे वहम होते थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे कैमरे को देख के क्या हो जाएगा। आज मेरी 7,000 वीडियो हैं जो कि यूट्यूब पे हैं और उस मुश्किल का मुझे सामना नहीं है। तो ये कोई शर्म की बात नहीं है, बीमारियों में कोई शर्म नहीं होती। कहते हैं जिसने की शर्म तो उसके फूटे कर्म। आज फिर बिखर आए मेरा, नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है।